स्वस्थ रहने के जरूरी नियम अपना कीमती समय निकालकर जरूर सुने। नंबर एक, केले में फाइबर और विटामिन सी होता है जो कैंसर से बचाव के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए केले का सेवन रात में कैंसर से बचाव के लिए मदद कर सकता है। नंबर दो, केले में विटामिन सी, B6 और ट्राइटोफोन होता है जो मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, इसलिए केले का सेवन रात में मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। नंबर तीन, खजूर में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, इसके कारण वे पाचन क्रिया को सुचारू रूप से समृद्ध करते हैं और कब्ज को दूर करने में भी मदद करते हैं। नंबर चार, खजूर दूध के साथ खाने से मोटापा बढ़ता है और पानी के साथ खा ले तो चर्बी घटती है। नंबर पाँच, गर्भवती महिलाओं को शिलाजीत का सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इसके प्रभाव के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। नंबर छः, मेथी के बीज में मोटापा होता है जो पाचन में मदद करता है और कब्ज को में शामिल होता है। नंबर सात, अनाज, नट्स और फलियों के साथ सूरजमुखी के बीज खाना हृदय रोग को जोखिम कर सकता है। यह हृदय रोग के कारण जैसे कि खराब कोलेस्ट्रॉल को, रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। इसलिए है कि क्योंकि सूरजमुखी के बीजों में फाइबर काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है जो धमनियों को बंद होने से रोकने और रक्त को खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में भी मदद करता है। नंबर आठ, बुखार की समस्या से हल्के में नहीं लेना चाहिए बल्कि लक्षण नज़र आने पर तुरंत उपचार करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, अंकुरित अनाज में जड़ी बूटियों का गुण मौजूद होता है, इसलिए अंकुरित मेथी, नींबू, शहद को मिलाकर सेवन करने से बुखार में कमी आती है। मेथी का रोज़ाना सेवन करने से शरीर में इम्यूनिटी मजबूत होती है और जिसके कारण बुखार नहीं होता है। नंबर नौ, डायबिटीज़ के मरीजों को सुबह अंकुरित मेथी का सेवन रोज़ाना करना चाहिए, इससे शुगर लेवल का स्तर नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे शुगर सामान्य रहता है और इंसुलिन बनने में भी सहायता मिलती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ या अंकुरित मेथी का सेवन करना शुरू कर दें क्योंकि इसमें बहुत से विटामिन व खनिज हैं जो आपके पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। अंकुरित मेथी के नुकसान। नंबर दस, यदि कोई महिला गर्भवती हो तो उन्हें अंकुरित मेथी का सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। नंबर ग्यारह, कुछ लोगों को मेथी का उपयोग त्वचा पर करने से एलर्जी की समस्याओं में त्वचा पर चचक और सूखापन नज़र आता है। नंबर बारह, यदि आप किसी तरह से दवा ले रहे हैं तो दवा लेने से 2 घंटे के बाद अंकुरित मेथी का सेवन करें। नंबर तेरह, अगर मेथी का साग से एलर्जी होती है तो आपको अंकुरित मेथी से परहेज करना चाहिए। नंबर चौदह, अंकुरित मेथी को ठीक से प्रकार खाने से शरीर में विषता जोखिम नहीं रहता है। नंबर पंद्रह, अजवाइन में गैस को कम करने में गुण होते हैं जो पेट के गैस की समस्याओं को कम करने में मदद करता है। नंबर सोलह, भीगी हुई किशमिश हाई ब्लड प्रेशर रोगियों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो हाइपोटेंशन से बचाने में मदद कर सकता है। 1 महीने तक किशमिश भिगोकर खाएं तो ये लाभ आपको जरूर होंगे। नंबर एक, चेहरे पर चमक होगी। नंबर दो, होठों में लालिमा रहेगी। नंबर तीन, नाखूनों पर लालपन जरूर होगा। नंबर चार, शरीर में स्फूर्ति जरूर होगी। नंबर पाँच, थकान का कम अनुभव होगा। नंबर छः, स्टेमिना में बढ़ोतरी होगी। नंबर पाँच, पाचन में सुधार होगा। नंबर आठ, भूख में बढ़ोतरी होगी। नंबर नौ, आँखों से पहले ज़्यादा साफ मैलापन गायब हो जाएगा। नंबर दस, मानसिक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि होगी। इतना मेरा अनुभव है। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।